दोस्तों वेलकम बैक टू द चैनल एंड टुडे इज वीकेंड और आज आज सोनिया आज मैं क्या बोलूं, आज मैं क्या ही बोलूं आपको। आज एक इंजीनियर का दिमाग जुगाड़ करेगा, एक सॉलिड वाला जुगाड़ करेगा। एम्बर एम्बर देख लो भाई, एम्बर क्या खा रही है? एम्बर डोंट पुट दिस इन माउथ। एम्बर एम्बर इसको मत खाओ, चाहिए खाली है। तो दोस्तों तो हमारी प्यारी सोनिया छील रही हैं मटर। नमस्ते बोलो सोनिया, प्रणाम करो ऑडियंस को। पैरी पहनने हैं शत शत शत, शत, शत नमन। ओके मटर खराब हो गए तो इसलिए मैंने सोचा निकाल देती हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि सोनिया और हम बहुत बिजी रहते हैं। अरे व्लॉग करने का ऑनेस्टली बताऊं तो टाइम ही नहीं लगता है। मतलब खुद इतना चमक रहे हो, मैं देखो काम चमक नहीं रहा हूँ, मैं ऐसा ही हूँ। आई एम लाइक दिस, आप ही हो ऐसे। मैंने आप पे तर्स करके आपको अपना लिया। चलो छोड़ो। तो मैं क्या बोल रहा था कि काम इतने ज़्यादा है ना करने वाले, टाइम नहीं लगता है व्लॉग करने के लिए गाइज। ऑनेस्टली बिजी रहते हैं, बैक टू बैक काम। मैं तो एक काम करके ख़त्म करता हूँ, सोनिया दूसरा काम मेरे को गिना देती है। तो मेरे को बड़ा गुस्सा चढ़ता है सोनिया पे, पर चलो कोई बात नहीं। हाँ झगड़ा तो हर एक का ही होता है। तो गाइज उसी चीज़ को सोचते हुए हम लोगों ने सोचा कि सोनिया ज़्यादातर ब्लॉग जो है या वीडियो जो है वो डे टाइम में करती है, रात को। हाँ मॉर्निंग में जब सनलाइट थोड़ा अच्छा होता है। तो हम लोगों ने सोचा कि शाम को या थोड़ा जब रात हो जाता है तब भी सोनिया वो टाइम को यूटिलाइज करे वीडियो बनाने के लिए। तो हम लोगों ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत हम लोगों ने रिंग लाइट खरीदी है। तो ये रिंग लाइट जो गाइस आप ही के लिए है, आप अच्छे से मुझे देख पाओगे और सोनिया को भी देख पाओगे, चमकता चेहरा, उज्ज्वल चेहरा। लेकिन अब समस्या ये हो गई है कि ये जो रिंग लाइट हम लोगों ने खरीदी है और जो सेलर भी इतना गधा था कि इसके साथ कोई वो नहीं है, ट्राईपॉड नहीं आया। तो ट्राईपॉड अभी नहीं है तो एग्जिस्टिंग ट्राईपॉड पे ये फिट नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका जो, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो ये नीचे से ऐसा है। ओके दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। अब ये जो है और जो ट्राईपॉड है, ट्राईपॉड इज लाइक दिस। ओके यहाँ पे इसका इसको हम कैमरा वगैरह यहाँ पे माउंट कर देते हैं। तो कोई एज सच कुछ है नहीं जिससे मैं इसको माउंट कर पाऊँ। और आज सोनिया को वीडियो करना है तो मेरे को कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा ताकि उसको मैं इसके ऊपर माउंट कर सकूँ। तो मैंने अपने इंजीनियरिंग दिमाग से कुछ सोचा है। मैंने कहा वैसे कि अभी तक मैंने सारे वीडियोस, मेकअप वीडियोस, जो भी कुछ करा है वो नेचुरल लाइट में करा है। कितनी अच्छी लगती थी ना अभी तक भी। अरे आप तो हमेशा ही अच्छे लगते हो यार, ऐसी कौन सी बात है। तो शिकार अभी मैंने कुछ ना कुछ, मैंने कहा कुछ इंजीनियरिंग दिमाग लगा के, जुगाड़ लगा के ना, मेरे को चाहिए कुछ ऐसा शेप में, एक जैसे अपना पाइप को थोड़ा पीस कटिंग करके और उसके नीचे कुछ ऐसा लगाऊं ढक्कन वक्कन कि वो उस माउंट के अंदर स्क्रू में फिट हो जाए। पैसे भी बच जाएंगे और ट्राईपॉड भी नया नहीं खरीदना पड़ेगा, बहुत सारे ट्राईपॉड हो जाएंगे। जुगाड़ करते करते वो भी चला जाएगा हमसे। मैंने देखो ये वाला, ये ओपन किया था, इसको निकाला था, लेकिन फिर भी ये इसका एक कैप है जो इसमें परमानेंटली फिक्स है। ये कैप नहीं निकल रहा है, ये कैप निकल नहीं रहा है, और ये कैप नहीं निकलेगा तो वो उस पे माउंट नहीं होगा। तो इसीलिए अपने को जब ये कोई उल्टी चीज, उल्टी सीधी कोई चीज पकड़ लेती है तो मैं इसको बोलता हूँ एम्बर नो नो, तो फिर ये सफाइयां देती है कि नहीं नहीं ये ठीक है, वहां पे खड़ी होकर बातें करेगी मेरे साथ, नेगोशिएट करने का ट्राई करेगी। कल रात को यही हुआ। तो सोनिया किधर गई? सोनिया कहाँ गई? सोनिया कहाँ चले गए? तो मुझे दो आशीर्वाद ताकि मैं बाहर जाऊं और कुछ सॉलिड जुगाड़ करके तो लेके आऊं। अपना मुंह पूरा रखो। अरे वो, अरे इसको जूम क्या हुआ यार, शी अभी ठीक है। सोनिया मुझे तो आशीर्वाद, आशीर्वाद हट, ऐसे नहीं सिर्फ हाथ रख के आशीर्वाद। नहीं मैं अपना तरीके आशीर्वाद नहीं, वो नहीं चाहिए। तो नहीं चाहिए, ब्लश कर रहे हो।
मलश कर रहे हो। ओके गाइस, मैं जाता हूँ और कुछ लेके आता हूँ। सो गाइस, जो जैसे सोचा था कि सेटअप जो है वो वैसे बनाएंगे, वो शायद वैसा नहीं बन पाएगा, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने कुछ तो पहले हार्डवेयर के जो शॉप थे वहाँ पे जाके मैंने पूछा कि ऐसे ऐसे मेरे को चाहिए, ये करना है, लेकिन किसी ने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तो फिर मैंने क्या किया, मैं गया एक वेल्डिंग की शॉप पे, फिर उस बंदे को मैंने थोड़ा, फिर मैंने उसको थोड़ा रिक्वेस्ट वगैरह किया, मैंने कहा यार कर दो यार, मेरे पास तो कोई और ऑप्शन भी नहीं है, सारी ऑप्शन खत्म हो चुकी हैं, मैं आपके पास आया हूँ ये काम करवाने। फिर वो मान गया, तो उसने बोला कि ये इसको आप वेल्डिंग करके हम एक इसका पैरेलल स्ट्रक्चर सा बनाएंगे रॉड के साथ, तो वो उसको वैसे यूज़ करेंगे। तो अभी मैं वहीं पर जा रहा हूँ और जो उसने सामान मंगवाया था वो मैंने ले लिया था, तो चलो चलते हैं वहाँ पर और उसको वहाँ पर जाके काम स्टार्ट करवाते हैं। सो अभी एम्बर के लिए मैं ब्रोकली स्टीम करके उसका सूप बना रही हूँ, जस्ट स्टीम कर रही हूँ ब्रोकली फ्लोरेट्स। 10-15 मिनट के बाद सॉफ्ट हो जाती है और उसके बाद जस्ट इसको ब्लेंडर में मैं ब्लेंड कर लूँगी, जो स्टीम का पानी है थोड़ा सा वो यूज़ करके, और सॉल्ट और हल्का सा पेपर, बहुत छोटा थोड़ा सा ही सॉल्ट बेबी के फूड में ऐड करना होता है ताकि उसको थोड़ा टेस्ट मिले। तो ये रेडी है गाइस। कई स्टूडेंट्स ऐसे होते थे ना कि जो रात को पढ़ते थे एक रात को पहले एग्ज़ाम से, बट मैं उनमें से नहीं हूँ, मैं पहले से प्रिपरेशन करके रखती थी और जब एग्ज़ाम होता था तो उससे पहले मैं टेंशन फ्री होती थी और आराम से एग्ज़ाम देती थी। जो एग्ज़ाम से एक रात पहले पढ़ते थे और टेंशन होती थी हो ये क्या होगा, फिर 40% मार्क्स लेके आते थे, उनकी एक उदाहरण एग्जाम्पल है हमारे पास, पीछे खड़े हैं वो मेरे पास। आज हमारी फ़्लाइट है शाम की, और ऐसे कौन कौन से, एक बार ऐसे हाथ खड़े कर देना। तो अभी ये देखो बेड खोल के बैठे हुए हैं कि हाय मेरे सर्दियों के कपड़े कहाँ हैं, ये वो है। मैंने और एम्बर ने पैकिंग हमने 2 दिन पहले कर ली, हम लोग आराम से अभी है फ्री, और ये अभी देख रहे हैं इसके साथ कि ब्लेजर मेरा पंजाब पड़ा है, वो यहाँ पड़ा है, वो है ना एम्बर, है ना एम्बर। हम दोनों तो मम्मी और डॉटर अच्छे बच्चे हैं हम दोनों, है ना, अच्छे हैं ना। पापा को पता ही नहीं कैसे पैकिंग करती है। कल वैसे दीपक का टूर्नामेंट था, मैच था, दीपक जीत के आए हैं। क्या करके आए हो, कौन सा लेके आए मेडल? ब्रॉन्ज लेके आए मैं। हाँ, आई एम सो प्राउड ऑफ हिम, बट समटाइम्स जैसे कि आज की हरकत है इनकी, प्राउड ऑफ हिम बट क्योंकि अभी देखो दीपक को कोई टेंशन नहीं कि एम्बर की कैसे पैकिंग करनी है, क्या सामान लेके जाना, खाने का ये है वो, और एम्बर कई बार क्रैंकी हो जाती है दिन में, तो ये सब यू नो इनको चेक करना चाहिए चीज़ों का। तो अभी इनकी पैकिंग ऐसे चल रही है, वह पीछे एम्बर का बैग अलग से पैक कर रखा है, वो एक उसका बैग पैक है। मैं तो लेके नहीं जा रही हूँ कपड़े ज़्यादा अपने, एक दो नाइट सूट लेके जा रही हूँ बस, वहाँ पे देखती हूँ जाके क्या करना है, क्योंकि वहाँ पे जो मिस सिस्टर लॉ है उनके कपड़े भी आ जाएंगे, तो मज़े से पहनते हैं हम एक दूसरे के सूट्स। मम्मी ले कह रही है पंजाब से, तो देखते हैं अभी। हाँ जी सर, और कितना टाइम लाना, खलारा पा के बैठे हो सारा? अभी तो बस शुरुआत है। अच्छा देखो तो सही, एम्बर आज का है ब्रेकफास्ट लंच ब्रंच साउथ इंडियन। एम्बर क्या खाओगे, क्या खाओगे पुत्र, इडली खाओगे? ओ बैग, हमारे बैग हैं। मेरा पैक हो गया, अब मेरा पार्सल हो गया सब। माय गॉड, 40% मार्क्स के साथ, शिट दुनिया, मैं तो सोचा मैं रह जाऊंगा पीछे। चुप कर जाओ, वो मैंने आधा सामान निकाल कर रखा था इसलिए आपकी हेल्प हो गई। और आपका सामान उसी में ही है। अच्छा, और मेरा सुबह ही पैक हो गया सारा। ओह गॉड, वो देखो मैं वहाँ पे पैक कर गया एम्बर का दोनों किया, और मेरा 1 घंटे में सब पार्सल। स्पीचलेस हो गए ना हम लोग। सो मैं रूटीन्स में मोस्टली शेयर करती हूँ कि मैंने कैसे कैसे मैं मैनेज कर रही हूँ एम्बर को जस्ट बाय माई सेल्फ। तो एम्बर के क्लोथिंग पार्ट में कभी शेयर नहीं करती हूँ कि मैं कैसे वॉश करती हूँ, क्योंकि छोटे छोटे कपड़ों में बहुत मेहनत लगती है, और जब से बच्चे क्रॉल करना स्टार्ट करते हैं बच्चों के कपड़े तो इतने गंदे हो जाते हैं, और मैं हमेशा हैंड वॉश ही करती हूँ क्योंकि कपड़े बहुत डेलिकेट होते हैं बच्चों के। जब एम्बर 3-4 मंथ की थी तो उसके फेस पर थोड़े थोड़े से ना थोड़े से एलर्जी हो गई थी, तो डॉक्टर ने पूछा कि किससे वॉश करते हो,
तो मैंने बताया था कि ये डिटर्जेंट मैं यूज़ करती हूँ, तो डॉक्टर ने मेरे को बोला था कि बच्चों के लिए जो बच्चों वाले आते हैं आपको वही लेना चाहिए, तो मैंने सोचा कि वो भी आपके साथ शेयर किया जाए, क्योंकि जैसे कि मेंबर की हर चीज़ शेयर करती हूँ तो ये भी शेयर करना चाहिए कि मेंबर के लिए जो लॉन्ड्री के लिए भी ये ममाअर्थ का उनका डिटर्जेंट यूज़ करती हूँ। तो ये प्लांट बेस्ड लॉन्ड्री डिटर्जेंट है बेबीज के लिए, जो न्यू बॉर्न बच्चे से के कपड़े होते हैं उनसे लेके आप कब तक के लिए यूज़ कर सकते हो, क्योंकि क्या होता है कि हम लोग अच्छे से अच्छे बच्चे के लिए चीज़ें मेंटेन करते हैं कि हाइजीन अच्छा होना चाहिए, बट ये चीज़ें कहीं ना कहीं हम लोग इग्नोर कर देते हैं कि बच्चे के कपड़ों को वॉश करने के लिए जो डिटर्जेंट यूज़ करना चाहिए वो बच्चों वाला ही होना चाहिए, वो हार्श केमिकल्स वाला नहीं होना चाहिए। बहुत ईजी मिल जाता है, ममाअर्थ पे है, अमेजोन पे है और फर्स्ट क्राई पे होता है, तो इसलिए मैं ये लेती हूँ। और ये 200 ml है और इसका जो प्राइस है वो है 199। आप थोड़ा सा लेके डाइल्यूट करके पानी में इसको कपड़े भिगो के रख सकते हैं बच्चे के थोड़े टाइम के लिए, अगर आप मशीन यूज करते हो तो मशीन में थोड़ा सा आप ऐड कर सकते हो पानी में, तो बच्चे के कपड़े अच्छी तरह हो जाते हैं। जेंटल कपड़ों के लिए है और बच्चों की स्किन जो होती है कितनी जेंटल होती है, कितनी डेलिकेट होती है, तो उसके लिए मैं हमेशा यही आपको प्रेफर करूंगी कि आप ऐसी चीजें यूज करो बच्चों के लिए जो बच्चे की स्किन को हार्म ना करे। और ममाअर्थ का पता है आपका प्रोडक्ट जो होते हैं वो केमिकल फ्री है, उसमें कोई सल्फेट कुछ नहीं होता है और प्लास्टिक पॉजिटिव है, दैट मींस दे रिसाइकल मोर प्लास्टिक देन दे यूज, कलर सेफ, बायोडिग्रेडेबल और ये आप कोई भी स्मेल आ रही है कपड़ों में से उसको एलिमिनेट करता है। ऑल्सो अगर कोई टफ स्टेन्स वगैरह है उनको भी रिमूव करता है, आपके हाथों के लिए और बच्चों के कपड़े दोनों के लिए जेंटल है, कोई भी इसमें टॉक्सिक्स नहीं है, ये प्लांट बेस्ड है, दैट इज अ वेरी गुड थिंग। तो जब भी आपको ममाअर्थ की वेबसाइट पे शॉपिंग करनी है आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं Sonia20, जिससे आपको 20% ऑफ मिलेगा। तो इसमें नीम एक्सट्रैक्ट्स हैं जो कि कोई भी जर्म्स है, बैक्टीरिया है कपड़ों में उसको बिल्कुल क्लियर कर देगा। देन जो इसका फॉर्मूला है वो नेचुरल फॉर्मूला है। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हमें बच्चों के लिए जब हम कुछ लेते हैं तो इंग्रेडिएंट्स हमें पढ़ने होते हैं, ये इंग्रेडिएंट्स की इसमें कौन कौन से हैं। मैं एज अ मदर सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स पढ़ती हूँ कि प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। सो ये यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैं बाकी चीज़ें शेयर करती हूँ, तो ये भी बनता था कि क्या चीज़ यूज़ कर रही हो। सो दिस इज़ बाय ममाअर्थ। सो लास्ट टाइम पे एक और चीज़ मेरे सर को याद आई है। क्या? फेशियल। कहते हमार फेशियल होगा, कहते मेरा फेशियल कर दो, मतलब इतना शौक है। देखो ये पीछे हमारे टेकने नहीं देगा बच्चा। एक दिन तुम्हीं तो बोला था कि तुम भी कराया करो फेशियल। हाँ मैंने तो बोला, मैंने बोला था कि कराया करो, ये थोड़ी बोला था कि हाँ मेरे बिजी शेड्यूल से ऐसे करो। क्या बिजी शेड्यूल, तुम्हारा पति के लिए भी बिजी शेड्यूल है तुम्हारा। हैं शेम ऑन यू। छी चलो अभी फेशियल करते हैं ना। सर 1000 लगेगा फेशियल का। 1000? हाँ। इतने चांटे मैं कैसे मारूंगा तुम्हारे। मेरा तो हाथ दुखने लग पड़ेगा। है सोनिया? नहीं 1000 का फेशियल है ये। और तुम्हारे चेहरे पे परमानेंट लाली आ जाएगी। मुझे नहीं चाहिए परमानेंट लाली। पैसे दोगे ताई में फेशियल करना? पैसे एम्बर करेगी, एम्बर कर रही है फेशियल, एम्बर करेगी आपका फेशियल। कौन सा फेशियल है भाई ये? भाई साहब ये कौन सा फेशियल है? ये स्किन टाइटनिंग फेशियल है आपका। ये तो बाल टाइटनिंग फेशियल कर रही है। तुमको नया ज्वाइन किया है, नए भर्ती हो? ये हमारा न्यू न्यू एम्प्लॉय है एम्बर। मैंने क्या बताया था क्लाइंट को कैसे ट्रीट करना है? वो तो अगड़ रही है, बोली मुंह सीधा करो, मैं अपना काम कर। हाँ करो करो, चलो करो। आप तो मैडम ज्यादा दाल फूट रहे। अच्छा करो करो, चलो करो करो करो, कंटिन्यू करो। वो बोल रही है कस्टमर बहुत अकड़ू है। ये बोली ये भी 1000 रुपए लगी है अलग से। मैडम थोड़ा तकलीफ हो रहा है, थोड़ा धीरे धीरे करो। अच्छा ठीक है, बोलो ना बोलो। कैसे मर्जी करो। थोड़ा मैडम तकलीफ हो रहा है मैडम। ठीक है ठीक है, करिए करिए। चलो ठीक है, फेशियल करने के बाद मिलते हैं। सो अभी जब मैं दीपक के फेस पैक लगा रही थी ना, मुझे बोलते ध्यान से लगाना, मेरे बाल गंदे मत करना क्योंकि मुझे हेयर कलर भी लगाना है, मतलब जाने से आधा घंटा पहले, है ना? ये भी बोल रहे थे पापा। क्या है यार, क्या कहूँ, अभी देखो डैडी क्या कर रहे हैं। अम्बर डैडी की कर रहे हैं, डैडी डैडी आराम से सो गए। डैडी सो गए,
सो गए डैडी? हाँ देखो काफ़ी सारे व्लॉग्स आने वाले हैं क्योंकि अभी आज हम लोग जाएंगे दिल्ली, और हम लोग एक्चुअली इस टाइम ज़्यादा टाइम के लिए नहीं जा रहे, सिर्फ 4 डेज़ के लिए जा रहे हैं। कल से फंक्शन शुरू है, बट दीपक ने टिकट ऐसे बुक करवाई कि हम लोग आज लेट नाइट ही पहुँचेंगे। तो मेरा मन था कि मैं वहाँ पर थोड़ा टाइम तो रुकूँ, बट सर्दी भी है। चलो एम्बर के ताई जिनको आपको पता है मेरी सिस्टर और जिठानी जो है वो नहीं आ पा रहे क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम है, तो दीपक के मम्मा पापा दोनों आ रहे हैं और एम्बर पापा को दादू को फर्स्ट टाइम मिलेगी। यस, सो वी आर गोइंग टू फिनिश दिस व्लॉग हियर। यस वी आर गोइंग टू फिनिश व्लॉग हियर ना, वी आर गोइंग टू फिनिश व्लॉग नाउ। एम्बर ने पापा का फेशियल करने दिया, नहीं करना फिनिश, करना नहीं फिनिश, नहीं करना फिनिश। सो गाइज विल फिनिश दिस व्लॉग हियर, विल कम बैक सून। और दीपक अभी सो गए फेशियल कराते हुए, विल कम बैक विद अनदर व्लॉग सून। तब तक के लिए बाय बाय और बाय बाय और यस और बाय।